राई पाउडर, सौंफ पाउडर। ये देखिए हमने सब मसाले ले लिए हैं, अमचूर पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और हींग, ये सब मसाले अब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए अब हमने इसको थोड़ी देर भून लिया है मिर्ची को, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। हमने सारे मसाले डाल के मिक्स कर दिए हैं, अब इसको हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। हमने बेसन लिया है थोड़ा सा, इसको भून लिया देसी घी में हमने, और अब हम ये अपनी मिर्चियों पे डाल देंगे और इनको मिक्स करें। बेसन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे ताकि ये लिपट जाए इसमें। हमने इसमें थोड़ी सी मसाले की कसूरी मिर्ची डाल दी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी मिर्ची आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ये हमने मोटी वाली मिर्ची ली है और इनको काट लिया था गोल गोल। ये देखिए हमारी मिर्ची आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे परांठे से खाइए, बहुत टेस्टी लगती है ये, और चपाती से खाइए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग भी बनाइए सब्ज़ी को, बहुत अच्छी बनती है।